साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रही राव की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक ने जनावाले में होने वाले सानिये के सिलसिले में मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा किया। उन्होंने सेंट मेरी कैथलिक बिशप हाउस और दीगर गिरजाघरों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मसीह बरादरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर बिशप इब्राहिम डैनल इलामा सैयद जियाउल्ला शाह बुखारी मुफ्ती और सहेल भट्ट एहसानुल हक और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सानिया जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक है। साहिवाल एक पुरअमन शहर है जहाँ उलमा कराम और मुशाख और मसीह बरादरी ने हमेशा भाईचारे की फिजा को परवान चढ़ाया है। मजीद उन्होंने कहा कि इस्लाम तमाम मजहब के पैरोकारों के हकूक का तहफ्फुज़ और पुरअमन दाई दीन है। कुरान पाक समेत किसी भी अल्हामी किताब की बेहरमती या इबादत गाह को नजर आतश करने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही किसी शख्स को इजाजत दी जा सकती है। पाकिस्तान में मसीह बरादरी समेत तमाम अकलीतियों को मुकम्मल तहफ्फुज़ और बुनियादी हकूक हासिल है। किसी को भी साहिवाल का अमन खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के गिरजाघरों के दौरे में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद भी हमरा थे, जिनमें अंजुमन ताजदारे अमन कमेटी उलमा कराम के नुमाइंदा अफराद शामिल थे। डीपीओ साहिवाल ने तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हदायत दी। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को हदायत की कि इस मौके पर मजीद अल्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। डीपीओ फैसल शहजाद ने कहा कि मसीह कम्युनिटी और इबादत गाहों की हिफाजत हमारी अहम जिम्मेदारी में शामिल है, उनकी हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं रखी जाएगी।